नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भारत से लगे हुए पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हुए भारत के जो राज्य हैं उनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास चैनल को भेज दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी मैं अगला वीडियो डालूँ आपको आसानी से वो मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भारत कौन कौन से ऐसे देश हैं, कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। तो भारत की सीमा से लगा हुआ सबसे पहला देश है कौन सा है? पाकिस्तान। सबसे पहला देश है पाकिस्तान जो भारत की सीमा से लगा हुआ है। दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, अगला भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार हैं। ये इतने देश जो हैं भारत की सीमा से लगे हुए, कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 देश जो हैं भारत की सीमा से लगे हुए हैं। अब आइए जानते हैं कि इन पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, अफगानिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं और उनको कैसे आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान को सिर्फ एक राज्य है जम्मू कश्मीर, केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, बाकी कोई भी भारत के राज्य अफगानिस्तान से नहीं लगे हुए हैं। अगला राज्य है देखिए पाकिस्तान, अगला देश है पाकिस्तान। अब देखते हैं पाकिस्तान से कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं और उनको याद करने की ट्रिक क्या है। तो याद करना है आपको पराग जम्मू गया, क्या याद करना है? पराग जम्मू गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो पा से मतलब हुआ पंजाब, राज से मतलब राजस्थान, पा से पंजाब, रा से राजस्थान, गा से हो गया गुजरात और जा से मतलब जम्मू से जम्मू कश्मीर। कितने राज्य हो गए? पराग जम्मू गया, पा से पंजाब, रा से राजस्थान, गा से गुजरात और जम्मू जम्मू कश्मीर। तो ये इतने राज्य हैं जो भारत के राज्य हैं जो पाकिस्तान से लगे हुए हैं और आपको आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं पराग जम्मू गया के माध्यम से, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला देखिए, हम देख लेते हैं म्यांमार। म्यांमार से कौन कौन से हमारे देश कौन कौन से हमारे राज्य लगे हुए हैं? तो आपको याद रखना है माई नेम मियाँ, माई नेम मियाँ। म्यांमार से लगे हुए राज्यों को याद करने के लिए आपको याद रखना है माई नेम मियाँ। तो माई का मतलब हो गया यहाँ पर म्यांमार, म्यांमार मतलब म्यांमार से लगे हुए राज्य, ठीक है। म्यांमार मतलब म्यांमार से लगे हुए राज्य। देखिए एन ए, एन ए का मतलब नागालैंड। एम ई का मतलब मणिपुर, एन ए मतलब नागालैंड, एम ई हो गया मणिपुर, एम आई हो गया मिजोरम, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये इतने राज्य हो गए। लिखा है माई नेम मियाँ, माई नेम मियाँ कैसे याद करेंगे? माई नेम मियाँ, माई मतलब म्यांमार, नेम एन ए मतलब नागालैंड, एम ई मतलब मणिपुर, एम आई मतलब मिजोरम और ए मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये इसको आप आसानी से इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? तो आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखना है बाप मेरा अमित्र, बाप मेरा अमित्र, ठीक है। इसमें देख लेते हैं बा से हो गया बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश से लगे हुए भारतीय राज्य हमें याद करना है, बा से बांग्लादेश। तो पा से हो गया पश्चिम बंगाल, पहला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल लगा हुआ है। अगला लगा हुआ है मेघालय, अगला है मेघालय, फिर है असम, फिर है मिजोरम और है त्रिपुरा। बाप मेरा अमित्र, बा से बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश को हमें याद रखना है, हो गया बा हो गया। अब आगे है पा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, पा मतलब पश्चिम बंगाल, में मतलब मेघालय, आ से असम। इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, याद करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए चलिए आगे देखते हैं।
अगला है चीन। चीन से भारत के कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं उनको याद करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले याद रखेंगे चीन ही चीन से, आज ही चीन से याद रखेंगे, आज ही चीन से, या फिर आप ठीक है उसी तरह से याद कर सकते हैं आज ही चीन से। ठीक है, आज ही चीन से में देख लेते हैं क्या क्या है। आ का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, आ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जा मतलब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जा मतलब जम्मू कश्मीर, ही मतलब हिमाचल प्रदेश, ही मतलब हिमाचल प्रदेश, ची मतलब चीन से लगे हुए भारतीय राज्य हैं, ची से हो जाएगा। ठीक है, उससे मतलब सिक्किम, से आप याद रखेंगे सिक्किम, तो कितने राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये इतने राज्य हैं जो कि चीन की सीमा से लगे हुए हैं। अगर आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आज ही से, आज ही से चीन याद करें, मतलब चीन यहाँ पर इसलिए आया है कि आपको याद हो जाए कि कौन कहाँ के हम किस देश के लिए याद कर रहे हैं, मतलब चीन के लिए याद कर रहे हैं। आ से अरुणाचल प्रदेश, जा से जम्मू कश्मीर, ठीक है, ही से हिमाचल, इस तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे देखते हैं, अगला है भूटान, छठवें नंबर है भूटान का। भूटान याद करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें करना है भूटान साहब, भूटान साहब याद रखना है बस। ठीक है, भूटान साहब, भूटान मतलब भूटान, भूटान मतलब भूटान हो गया, भूटान से लगे हुए भारतीय राज्य में याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं साम, साब, ठीक है, तो एस से हो गया क्या सिक्किम, एस मतलब सिक्किम, ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, ए मतलब असम, बी मतलब बंगाल, बिल्कुल आसान है याद करना है इसको। भूटान साब, भूटान से लगे हुए राज्य साब हो गए, साब, एस से सिक्किम हो जाएगा, ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ए से असम हो जाएगा, बी से बंगाल हो जाएगा। इसमें से अगर आप याद रखे रहेंगे, नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर साब भी याद रहेगा तो आसानी से आप एग्जाम में कर सकते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं नेपाल, अगला है नेपाल, तो देखते हैं नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं हमारे। आपको याद रखना है बिहारी उस पंचर से उत्तर, बिहारी उस पंचर से उत्तर, आपको ये याद रखना है बिहारी उस पंचर से उत्तर। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं इसमें इसका मतलब क्या है। बिहारी, बिहारी का मतलब बिहार, उस मतलब उत्तराखंड, उस याद रखेंगे, सा यहाँ पर साइलेंट कर देना, हम हमें यहाँ पर उस याद रखेंगे, उत्तराखंड, यहाँ का पहले का पा याद रखेंगे आप बस। ठीक है, पा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, से सा मतलब सिक्किम, उत्तर मतलब उरत मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर यहाँ पर उत्तर होना चाहिए, ठीक है, उत्तर था यहाँ पर उत्तर, ठीक है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं कि क्या है, बिहारी उस पंचर से उत्तर, बिहारी उस पंचर से उत्तर, बिहार हो गया, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश, आपको ये आसानी से ट्रिक याद हो जाएंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो और आगे के वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।